गुरु शिष्य परंपरा पर पंडित वैभव बटेले ने कहा कि आज का युवा भटका नहीं है, लेकिन सही गुरु ना मिलने की वजह से सही मार्गदर्शन ना मिल पाना युवाओं का भटकने का कारण है। पाखंड में कई संत मानव को भटका रहे हैं, जबकि संत का निर्मल एवं शुद्ध होना चाहिए। गुरुदेव आप यथार्थ ज्ञानी, बहुत सारे लेख आपके मीडिया के माध्यम से पढ़ने को मिलते हैं। कल गुरु पूर्णिमा है, आज तक जो युवा है गुरु के प्रति अपनी भावनाएं कम चलते जा रही, क्या वजह? संकल्प शक्ति जब मनुष्य की छीण होती है तब वो गुरु को भूलता है। मनुष्य का जीवन तो मिला है, लेकिन जब महान बनने का संकल्प होगा तो एक गुरु की तलाश होगी। मनुष्य की दो जातियां बताई गई, देवता अथवा दानव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दौ भूत सर्गौ लोकेश में दैव आसुर एव च, सिर्फ दो ही जातियां मनुष्य की, देवता अथवा दानव। चुनाव हमको करना है, यदि देवता बनना है तो एक गुरु की आवश्यकता, सत्कर्म करना है तो गुरु की आवश्यकता है, और दुष्कर्म करना है दानव बनना है तो फिर गुरु की आवश्यकता नहीं। तो अभी जो हम किसी को दोष तो नहीं देते, लेकिन पाश्चात्य का प्रभाव है, हमारी संस्कृति पर वार हो रहा है, सनातन पर वार हो रहा है, तरह तरह से वार हो रहा है। तो उस कारण से गुरु के प्रति जो भाव होना चाहिए, जो संकल्प शक्ति उभर के आना चाहिए, जो श्रेष्ठ बनने का जो विचार है, जो संकल्प है, उसकी आपूर्ति के अभाव में हम गुरु तत्व से बंक हो रहे हैं। आप हमेशा लेखों के माध्यम से युवाओं में जागृति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा युवा ईश्वर वंचित क्यों होता जा रहा है? कहीं वंचित नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये कहना उचित नहीं लगता। युवा वंचित नहीं है, जो क्षमा के साथ की जो सदगुरुओं का जो ज्ञान है वो कुछ अलग औद्योगिक के रूप में जा रहा है, एक अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है। जैसे पुराने ऋषि मुनि जिस तरह से भागवत कथा लिखी गई, राम कथा लिखी गई, अन्य जो जितने भी ऋषि मुनि हैं उनने जो वेद शास्त्रों का और अन्य ग्रंथों का, जो सदग्रंथों का सृजन किया है वो निस्वार्थ भाव से किया, और जो पहले के जो ऋषि रहे वो जो भी व्याख्यान करते थे, उपाख्यान करते थे, उवाच करते थे, तो वो निस्वार्थ होता था। जिस तरह से मनुष्य अपने शरीर के कल्याण के लिए सब कुछ अच्छा सोचता है, उसी तरह से जो सदगुरु होते हैं, आप जैसे ऋषि जो होते हैं, वो सर्व कल्याण के लिए वही भाव रखते हैं। तो सर्व कल्याण के प्रति भाव का अभाव हो रहा है और युवाओं में भटका हो रहा है। तो युवा, ये युवाओं को दोष न दिया जाए, मुझे ऐसा लगता है युवा तो माने तैयार है, आप वैसी कथा तो कहिए, वैसा आप सदविचार तो व्यक्त कीजिए, लेकिन हम जब पास में कहा जा सकता है कि हम पाखंड को बढ़ावा दे करके और सदज्ञान को पीछे करके, हम शास्त्र की बात नहीं कर रहे, हम चमत्कार की बात कर रहे हैं, हम कुछ पाखंड कुछ प्रपंच करके कुछ चमत्कार बता देना चाहते कि हम तो इस तरह से अंतर्यामी हैं। अरे भगवान के सिवाय कोई अंतर्यामी हो सकता? कोई नहीं जगत में अंतर्यामी सिवाय श्री नारायण स्वामी के। तो ये बात सोचना होगी। तो युवा ऐसे में भटक रहा है, हम ठीक ढंग से शास्त्रों का और उन चीज़ों को हम पेश नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं कोई बहुत बड़ा अपने आप को वह श्रेष्ठ ज्ञानी भाव में तो नहीं रहता हूँ, लेकिन मुझे जो फील होता है, जो अनुभव होता है कि युवाओं को, विशेषकर युवाओं की बात इसलिए क्योंकि आने वाली पीढ़ी उनसे, तो हम सनातन शास्त्र जो पुरुषार्थ की बातों से भरे पड़े, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जिसमें बातें, उनसे हम दूर करके सिर्फ प्रपंच की रातों रात बड़ा बनाने की बात कर रहे हैं। हमको एक जादू की पुड़िया देना चाहते हैं कि तुम ये पुड़िया लेके जाओ। कुछ लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कर दोगे तो आप पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा कर दोगे तो काम करने की जरूरत नहीं, ऐसा कर दोगे तो आपके यहाँ भूत प्रेत नहीं आएंगे। अरे कोई बात है, कौन सी बात समझाना चाहते हैं आप? ये सनातन धर्म है भाई, सनातन धर्म की पद्धतियों पर चलना होगा, सनातन धर्म के विचारों को बाहर लाना होगा। सनातन धर्म के जो विचार हैं, श्रेष्ठ सदग्रंथों के जो विचार हैं, वो तो अर्जुन का निर्माण करते हैं, जो वीर है, धुरंधर है, हैं? जो योद्धा है, एक हनुमान प्रकट करते हैं, ये सनातन के विचार है जो सारी दुनिया को हिला के रख देता है और संकट मोचक के नाम से आज पूरी दुनिया में पूजा जा रहा है। ये किसके विचार है? सनातन के विचार, वो भी तो युवा शक्ति के। हनुमान कोई बूढ़े रूप में थोड़ी पूजे जाते हैं, हनुमान युवा है,
हनुमान युवा कौन बना सकता है, हनुमान कौन बना सकता है युवाओं को, सिर्फ हमारे सद्विचार जो शास्त्रों में लिखे हैं। तो मैं बहुत ही मर्यादा के साथ जितने भी भारतवर्ष की और दुनिया में सद्गुरु हैं उन सबसे मैं एक बात निवेदन के साथ बोलना चाहता हूँ कि वो अपने शास्त्रों की ओर लौटें, अपने पुराणों की ओर लौटें। उसी शास्त्र में तो लिखा है कि सिद्धि की प्रसिद्धि नहीं होना चाहिए, या तो सिद्धि समाप्त हो जाती है, पूजा का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है सब प्रदर्शन क्यों? पहले के जो दानव थे वो भी भूत प्रेत एकांत में शांत करते थे, जितने भी तामसी अनुष्ठान होते थे वो एकांत में होते थे। मर्यादाएं तोड़ेंगे क्या हम? इसमें हम युवाओं को दोष क्यों दें? युवाओं को तो हम जिस दिशा में ले जाना चाहेंगे वहां वो जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी गलती है हम जिन जिन सत्पुरुषों के विचारों को श्रवण करके जीवन को बनाना चाहते हैं, जब वो ही कहीं कौन कर सकता है? वो तो अपौर से ही सकता है, उस संविधान को कोई मिटा ही नहीं सकता है। लेकिन बात यह है कि सनातन धर्म के माध्यम से भारतवर्ष के हिंदुओं को विशेष करके और सनातन धर्म को मानने वाले सभी अनुयायियों को जिस मुकाम पर आज के समय में खड़ा होना था हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। गीता हमारे पास है, रामायण हमारे पास है, भागवत हमारे पास है, बड़े बड़े सदगुरु बड़े बड़े प्रवक्ता हमारे पास हैं, लेकिन ये भटकाव जो उत्पन्न हो रहा है कि पाखंड प्रपंच के कारण हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ही एक मनोभाव के साथ पूरे हृदय के साथ भारतवर्ष के प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी से कहना चाहता हूं कि पाखंड और प्रपंच से बचें, कपट मुनियों से बचें, गुरु घंटालों से बचें और अच्छे सदगुरु ढूंढें जो ज्ञानी हैं, जो महात्मा हैं, जो वेदज्ञ हैं। उनके ज्ञान को कब लोगे, उनकी सिद्धियों को कब समझोगे? तो ये बात मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबसे निवेदन के साथ निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ। शायद इससे बड़ी गुरु भक्ति और पूजा दूसरी नहीं हो सकती। दूसरी एक और बात कहूँ कि गुरुकुल परंपरा जब से भारतवर्ष में कमजोर पड़ी है, बड़े बड़े भारत के संतों ने मुझसे बात की कि जब से गुरुकुल परंपरा भारतवर्ष से कमजोर पड़ी है तब से सनातन की ये दुर्दशा बढ़ती जा रही है। तो गुरुकुल परंपरा यदि नहीं है अभी तो हमारे हृदय में तो गुरु बैठना चाहिए। हम क्यों नहीं एक गुरु तलाश लें, सीधा साधा गुरु जो प्रपंच और पाखंड से मुक्त हो, जो निर्लोभी हो। यदि भागवत में लिखा है, आप जैसे संत सुनाते हैं, मैं तो श्रोता हूं, तो भागवत में लिखा है कि यदि निर्लोभी वक्ता और निर्मोही श्रोता सामने बैठ जाए तो मोक्ष यानी गति यानी सुख शांति और सद्भाव तो तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो हमें दोनों पक्षों को समझना है और इस गुरु परंपरा को बहुत ही आदर के साथ हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन तो मिला है लेकिन मनुष्यत्व प्राप्त करना गुरु से ही संभव है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। पूरे भारत के प्रत्येक युवा को, प्रत्येक व्यक्ति को जिसके गुरु हैं, सदगुरु हैं, और जो मंत्र मिला है उसका कल आप जाप करें, और जिनके गुरु नहीं हैं कोई योग्य गुरु तलाश है।